शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पापा, आप अभी तक सोए नहीं? बेटे, मैं तो जाग गया हूं, सोचता हूं तुम भी जाग जाओ। ये लो। ये क्या है? देखो, अरे यश, अंधेरे में खेल रहा है? तो तू कौन से उजाले में खेल रहा है? अभी आपके तेवर हमारे फेवर में नहीं है, लगता है बहुत हो गई। बहुत हो गई नहीं, बहुत हो गया। तुझे खेलने का बहुत शौक है ना, ले खेल। मेरी जासूसी कर रहा था। जिस चार दीवारी में तू सांस ले रहा है, वही कानून का जाल बिछा रहा था। दोस्ती की आड़ में मुझे फंसाने का खेल खेल रहा था। मैंने एक खेल जरूर खेला है, लेकिन तुझे फंसाने के लिए नहीं, तुझे बचाने के लिए। देख यश, इस शहर में अभी वो जुर्म हो रहे हैं जो पहले हुआ करते थे। तो तू यह कहना चाहता है कि इन जुर्मों के पीछे मेरा हाथ है और तू मुझे यहां गिरफ्तार करने आया है? हा? नहीं यश। क्या बात है? हाँ, क्या हुआ यश? इनसे मिलो प्रार्थना, ये हमारे दोस्त हैं, इंस्पेक्टर सूरज, जिस पर हमने विश्वास किया और इसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया। हमारी दोस्ती की कसम, मैंने तेरे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया यश। दोस्ती की कसम? हाँ, अरे तुझसे अच्छे तो वो दुश्मन है जो कम से कम दिखाई तो देते हैं। आप सूरज को गलत समझ रहे हैं, मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। लेकिन लेकिन क्या? सब कुछ जानते हो, तूने मुझे अंधेरे में रखा, मेरी पत्नी होकर तूने उसका साथ दिया, इसकी तरह तूने भी मुझे मुजरिम समझा। यश, मेरी बात तो सुनिए आप। चली जाओ यहां से। आई से गेट आउट। यार, तू भाभी को पीछे क्यों ला रहा है? प्रार्थना भी वही चाहती जो मैं चाहता हूं, तेरी भलाई। शट अप। यश, आज जितना ऊपर तेरा हाथ उठा है, हमारी दोस्ती उतनी नीचे गिर गई। दोस्ती, एक बात अच्छी तरह याद रखना, जब दो दोस्त दुश्मन बनते हैं तो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की कमजोरी जानते हैं। जब दोस्त ही ना रहा तो कमजोरी कहेगी। अब शुरू हुआ है पंगा। हाँ, thank you.
बार करने वाले कायर बुजदिल, बाहर निकल। आज मैं तेरी हस्ती मिटाने आया हूँ। किसकी हस्ती मिटाने आया तू कमीने? तेरी हिम्मत कैसी हुई कि दोबारा तो उस घर में कदम रखे? नहीं सूरज, सूरज, तूने मेरे पापा पे गोली चलाई। छोड़ दे मुझे। पीटर, 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 क्या पीटर, पीटर, मरने का पीटर को? सूरज, यश बेटा पकड़ के, उसे छोड़ना नहीं। अपनी आंखों से देख, लगड़ापन का ठोंगरा चाकर अपनी जुर्म की दुनिया में बराबर से दौड़ते रहे। जुर्म ये करते गए और इन सारे जुर्मों के थप्पे तेरे नाम पर पड़ते गए। तुझे मुजरिम बनाने वाले तेरे पापा, आज मुझे जान से मार डालने की कोशिश करने वाले भी तेरे पापा। यश, झूठ दो किस्म के होते हैं, एक भलाई के लिए और एक बुराई के लिए। जो झूठ मैंने तुझसे कहा वो तेरी भलाई के लिए था, बाकी तो खुद समझदार है। इंस्पेक्टर, बताओ उस दिन हॉस्पिटल में क्या हुआ था? जी जी, वो ठाकुर साहब ने मुझसे कहा था कि मैं यश को कहूं कि ये मौत के बहुत करीब है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि बिल्कुल ठीक थे, इन्होंने जैसा कहा मैंने कह दिया। तू बोल। उसी दिन ठाकुर साहब के कहने पर यश बाबा के जज्बात का फायदा उठाकर मैंने सारे कागजात पर दस्तखत करवा लिए। ले जाओ इन्हें। और तू अपने पापा के जाल में फंसता गया। कैसे बाप हैं आप? दुनिया का हर बाप अपने बेटे को डॉक्टर, वकील, अफसर बनाने का ख्वाब देखता है, और आपने मुझे एक मुजरिम बनाना चाहा? मां की मौत के बाद तो आपकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थी, पर अफसोस आप ना मां का फर्ज निभा सके ना बाप का। आप तो सिर्फ अपने बाप की दुनिया का फर्ज निभा सके। अफसोस कि आप मेरे बाप ना होते। आपकी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, आपकी वजह से मेरा दोस्त मुझसे अलग हो गया, और आपकी खुदगर्जी की वजह से मेरा बाप मुझसे छीन गया। आपने ऐसा क्यों किया?